नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा वो मेरी एक फ्रेंड है, वहाँ मैं मिलके आती हूँ। हाँ बेटा, कैसे चल रहा है कारोबार? कुछ बात करनी है, एक ही बार में सुन लोगे तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा। वो मानसी की प्रेगनेंसी को लेके हमने ये बात फैमिली को तो बताई नहीं, पर उसे डॉक्टर के पास तो दिखाना ही होगा ना, और वो अब हमें ही करना होगा। कहीं शादी के चक्कर में एग्जर्शन ज्यादा हो गया और उसकी तबीयत खराब होगी तो? ओह गॉड, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। एक्चुअली मुझे भी अभी रियलाइज हुआ, हमें अभी तक उसे डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए था। फिर उसी हॉस्पिटल में तुम्हारे पैर का इलाज भी हो जाएगा ना, जो चोट तुम्हें। ठीक है, तो फिर मैं अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, तुम उसे ले आना। वही ले जाए जहाँ हम गए थे, हमारी डॉक्टर ने सजेस्ट। क्या लगता है आपको, हम पेरेंट्स बन जाएंगे ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगी ना सर्जरी में? सब इजी होगा ना? नायरा को आगे चल के कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं ना? पता नहीं लोग कब समझेंगे इतना पानी वेस्ट हो रहा है। जब पानी मिलना बंद हो जाएगा तब समझ में आएगा लोगों को। ठीक है, तो फिर 3 बजे? स्कूल की एक फ्रेंड थी पापा। तो थोड़ी देर और बात कर लेते। नहीं, इट्स ओके। वाह, व्हाट्स अप? हेलो, बिना बताए क्यों आ गए? मुझे बता दिया होता तो मैं भी साथ में आ जाती ना। इसलिए नहीं बताया क्योंकि हंसना नहीं था मुझे, जॉगिंग करनी थी। Such a cute compliment. तू कभी नहीं बदलेगी ना, तुझे कुछ भी बोलो तुझे तेरी ही तारीफ सुनाई देती। I know. अच्छा सुन, आज लंच पे चले क्या? नहीं, आज कुछ काम है। अरे तुझे तो हमेशा ही काम रहता है, लेकिन मैं तो तेरी लाइफ में न्यू आई हूँ ना, एकदम फ्रेश एंड नाइस, यू नो व्हाट आई मीन, एंड आई एम नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। चलना है तो मतलब चलना है, बस बात खत्म। सच में बहुत काम है, एक काम करते डिनर पे चलते, लंच नहीं हो पाएगा। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास तो ठीक है, फिर जो तू कहेगा वही होगा ना। अरे अनमोल, दिखा ना हमें भी, क्या करती है वो लड़की? स्टैंड अप कॉमेडियन है नानी। हाँ पर वो क्या होता है बेटा, खड़े खड़े मस्करी करते हैं ये लोग और उसके इन्हें पैसे भी मिलते हैं। हाँ वैसे नहीं, मतलब तू मुझे दिखा दे, मैं खुद समझ जाऊंगी। ये जो शादी है ना, ये बहुत ही वियर्ड चीज है। ना 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 ना, चीज नहीं, खाने वाला चीज। वही है ना, कार्तिक की सहेली पर लग तो नहीं रही। माँ सहेली नहीं दोस्त, और ये वही है, बस थोड़ा सा मेकअप किया इसलिए अलग लग रही है। हाँ तो रुक्मिणी बहन तो ठीक ही कह रही थी, ये तो वही काम है मस्करी वाला ही। और ये काम मैं इससे भी अच्छा कर सकती हूँ, बस मौका मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, आइए आइए आइए, आप तो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। चलिए चलिए परफॉर्मेंस करते हैं। अरे आइए तो। स्कंदा, कहीं कार्तिक की दोस्त आशी तो नहीं? ये तो वही है। हस्बैंड एंड वाइफ लाइक, वो कार्टून तो देखा ही होगा आपने, टॉम एंड जेरी। आई मीन रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली ना, मेरे हिसाब से तो शादी एक चूहे बिल्ली का खेल है, कभी चूहा भारी तो कभी बिल्ली बेचारी। बस बस बस, पूरी पागल है आशी। आखिर दोस्त किसकी है? तुम्हारा क्या मतलब है, मैं पागल हूँ? नहीं, महापागल। अच्छा बताओ, ये बचपन से कितनी फनी थी? क्रैक तो ये हमेशा से थी, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड। अगर बेस्ट फ्रेंड थी तो कभी मिलने क्यों नहीं आती? जब से इसने इंडिया छोड़ा तब से शायद 2 ही बार वापस आई है, एक बार इसके दादाजी के डेथ पे, एक बार किसी की शादी पे, पर दोनों बार मैं आउट ऑफ टाउन था। हाँ, जब यूएस गए तब दोबारा मुलाकात हुई और फाइनली कनेक्ट हुए हम लोग।
वैसे बचपन में तो बहुत आती जाती रहती थी। दादी, माँ, कीर्ति सबकी बेस्ट फ्रेंड थी। माँ तो चाहती थी कि मेरी से शादी हो जाए। तो कर लेते, इतनी क्यूट तो है। तो फिर इस पागल छेड़नी से कैसे मिलता मैं? अब जिसके नसीब में इस क्यूटी के साथ सर फोड़ना लिखा हो, वो किसी और से शादी कैसे करेगा? आओ। इतना ही शौक है सर फोड़वाने का, तो फिर लो मजा। मैं क्यों ऐसे? दोस्ती तो है, उसमें क्या? अनमोल, हाँ, ये बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ दीदी, बस एक मिनट, थोड़ा सा बाकी है। She is damn good man. कहाँ ना, बंद करो, ये मेरी बात ज़्यादा ज़रूरी है, बंद करो इसे। क्या हुआ दीदी? मानसी को डॉक्टर के पास लेके जाना है ना। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? तबीयत ठीक है, पर फिर भी डॉक्टर के पास तो ले जाना ही है ना। मैं समझा नहीं, ठीक है तो फिर क्यों? तुम पागल हो क्या? प्रेग्नेंट है तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? वो क्या होता है, प्रॉपर चेकअप, मेडिकेशन नहीं करना है क्या? वो भाई प्लीज, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। आप तो जानते हैं ना कि मैं बहुत डरती हूँ उनसे, मुझे नहीं जाना। आई हेट डॉक्टर्स। डोंट बी स्टूपिड, इस सिचुएशन में जाना पड़ता है, तुम्हारी बेबी की, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैंने नायरा से बात कर ली, वो अनमोल को लेकर आ जाएगी। पर मेरी क्या जरूरत है वहाँ पे? मानसी उसे कार्तिक लेके आ रहा है, वहाँ मैं भी रहूंगी साथ में। पर जो कंफर्ट लेवल उसका तुम्हारे साथ है, वो हमारे साथ थोड़ी ना होगा। और वैसे भी डॉक्टर्स आजकल कपल को साथ आने के लिए कहते हैं, सिर्फ मदर्स को नहीं। पर नायरा दीदी, मैं तुम्हें प्रॉब्लम क्या है आने में? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है तुम्हें? इस वक्त पे किसी भी लड़की को, चाहे वो कितनी भी स्ट्रांग हो, अपने पार्टनर की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि जो प्यार और केयर वो उसे। वन से दोनों का साथ होना जरूरी है, ताकि हर सिचुएशन, हर चेंज दोनों साथ में हैंडल कर सको। तीन बजे का अपॉइंटमेंट है, मैं पहले निकल जाऊंगा, तू बाद में आना। दोनों साथ में जाएंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं ना। साथ नहीं, अलग अलग, पर तुम नर्सिंग होम टाइम से आ जाना, ओके? वहाँ पे मानसी के सारे टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे, तुम लोग डॉक्टर से भी मिलोगे, तो आगे के लिए आसानी हो जाएगी। नायरा बेटा, वो मुझे ना स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कोई टॉपिक बताओ ना। मानसी बात हुई आ रही है, वो अनमोल वो भी आ रहा है। अच्छा, मैंने अपॉइंटमेंट तो अपने नाम से लिया था, अभी रजिस्टर में क्या लिखूं? अच्छा हाँ, मानसी का नाम नहीं लिख सकते हम लोग। हाँ भाई, मैं भी सोच रही थी अपना नाम लिख दूं, आई मीन हमारा। मिसेस नायरा कार्तिक गोयनका। मैम आप लोग बैठ जाइए। आशी आई हुई है। कैसी है? अच्छी। शादी तक रुकेगी क्या? पता नहीं। अरे पूछा नहीं तुमने? उसका कोई शो है या ऐसे ही? आई मीन अचानक कैसे? आप लोगों के सर्जरी की रिपोर्ट आ गई है और आप दोनों पेरेंट्स बन सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है नीरज कि हम लोग भी मां बाप बन सकते हैं। मेरी तरफ से ऑपरेशन ठीक ही हुआ है और दो दिन में रिपोर्ट्स भी आ जाएंगे। सर्जरी सक्सेसफुल रही नायरा। हेलो, मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, कैसे हैं आप लोग? इतने साल लगा दिए आने में,
एंड हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन? वैसे खुशखबरी साथ लाए हो या लेने आए हो? मिसेस गोयनका, आपको याद है आपने मुझे पंच किया था? आपकी वाइफ बेहोशी की हालत में भी जोर से लात मारी मुझे। हाँ मिस्टर कार्तिक, आप अभी भी इंजेक्शन नीडल से डरते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट हुई है? लेट मी से यू वन थिंग, वो मेरे लाइफ की सबसे मेमोरेबल सर्जरी थी। डॉक्टर, रूम नंबर 6 के पेशेंट का पेन अचानक बढ़ गया है, आप आ जाइए प्लीज। मैं आता, आई एम सॉरी मुझे जाना होगा, बट आई विल बी बैक फॉर अपॉइंटमेंट। पूरे शहर में तुम्हें एक यही हॉस्पिटल मिला था? अरे मैंने तुमसे पूछ के अपॉइंटमेंट लिया था ना, तुम्हें नहीं आना था तो मना कर देते, और मुझे क्या पता था वो डॉक्टर को हम याद होंगे। और एनीवेज फॉरगेट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।